और वहीं पर शराब पीने से रोकना परिवार को भारी पड़ गया है। शराबियों ने महिलाओं समेत सभी को पीटा। एक छोटी बच्ची के हाथ में भी आई है गंभीर चोट। पीड़ित परिवारों ने कोतवाली में की शिकायत। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शराब पीने से रोकने पर एक परिवार को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है, जहां पर पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत भी दर्ज कराई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर एक छोटी बच्ची के हाथ में भी चोट लगी है। आपको बता दें, शहर कोतवाली के लक्ष्मी गेट का ये मामला है, जहां पर एक शराब पीने से रोकना परिवार को भारी पड़ गया है और परिवार के सभी सदस्यों को पीटा गया है, जिसके बाद और उसमें शराबियों ने महिलाओं समेत सभी को पीटा है, जिसमें एक छोटी बच्ची के हाथ में भी गंभीर चोट बताई जा रही है। और पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत भी की है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद शहर कोतवाली के लक्ष्मी गेट का ये मामला है, जहां पर शराब पीने से रोकने पर एक परिवार को जमकर पीटा गया और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला समेत बच्ची को भी गंभीर चोट आई है। शराबियों ने महिलाओं समेत सभी को पीटा है, जिसमें एक छोटी बच्ची के हाथ में भी गंभीर चोट की खबर सामने आ रही है। और वहीं आगरा में दरोगा सनी तोमर की दबंगी सामने आई है। आपको बता दें, मास्क ना लगाने पर युवक को जमकर पीटा है। पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी की है और मौके पर क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा पहुंचे हैं। एसएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर भी किया है। और आपको बता दें, निभोरा क्षेत्र के डंडनियापुरा का ये मामला है, जहां पर एक दरोगा का दबंगई वीडियो सामने आया है, जहां पर मास्क ना लगाने पर युवक को पीटा गया है और एसएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर भी किया है। और आपको बता दें, निभोरा क्षेत्र के डंडनियापुरा का ये मामला है, जहां पर एक दरोगा सनी तोमर की दबंगई सामने आई है, जहां पर मास्क ना लगाने पर एक युवक को जमकर पीटा है, जिसके बाद वहां के विधायक जितेंद्र वर्मा भी मौके पर पहुंचे और एसएसपी ने और पिटाई से नाराज ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की है, जिसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे। जितेंद्र वर्मा जो वहां के विधायक है, वो भी मौके पर पहुंचे और एसएसपी ने दरोगा को लाइन हाजिर भी किया है। आपको बता दें, दरोगा ने मास्क ना लगाने पर युवक को जमकर पीटा, जिसके बाद ग्रामीणों ने नाराज के चलते। और वहीं लखनऊ जिला पंचायत अध्यक्ष आज लेंगे शपथ। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह उत्तर प्रदेश के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष आज शपथ लेंगे। जिला अधिकारियों के माध्यम से दिलाई जाएगी शपथ। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा, जहां पर यूपी के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष आज शपथ लेंगे। आपको बता दें, ये जिला अधिकारियों के माध्यम से दिलाई जाएगी शपथ लखनऊ में, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष आज शपथ लेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा, जिसके बाद यूपी के 75 जिला पंचायत अध्यक्ष शपथ लेंगे और इन अध्यक्षों को जिला अधिकारियों के माध्यम से दिलाई जाएगी शपथ। जिला पंचायत अध्यक्ष आज शपथ लेंगे। आपको बता दें, यूपी के करीब 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर 75 जिला पंचायत अध्यक्ष शपथ लेंगे।